मैं हाथ जोड़ के सब भाई सुबह फिर दोबारा माफी मांग रहा हूँ। इंशाल्लाह प्यारो भाई हूँ, प्यारो बेटा हूँ, और मरहूम चौधरी सकरुल्लाह खान को बेटा हूँ। आगे लाश रख लिया अबू जरत की जो है ना, हमेशा से अपने के लिए मरा है, वो अपने के लिए जिया है। इंशाल्लाह मौसम को ताई हुई है, इंशाल्लाह बाकी बात को पानी दूंगा, चाहे मेरे तीर तीर हो जाए पर वाली बात निपटा दूंगा। क्या बात है, जावेद आके तो आप सबको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिस उत्साह के साथ और मेरे नौजवान साथी जो सुबह से पैदल पैदल मोटरसाइकिलों पे पूरे फिरोजपुर झिरका से पैदल पैदल यहाँ तक आए, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। इंशाल्लाह यही विश्वास दिलाता हूँ, तीसरी बार सरकार बन रही है, अब क्या इंशाल्लाह बच्चा बच्चा नौकरी लगाने का काम करेंगे। और साथियों आप लोग सुबह से बैठे हो यहाँ पे इंतजार कर रहे हो, आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी पार्टी के आदरणीय नरेंद्र पटेल जी और भीकम दादा, आदरणीय भानीराम मंगला जी, हमारी पार्टी के जो इन्होंने मेहनत की है और जिस तरीके से लगन के साथ लगे हुए हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका भी। हम तो कह रहे हैं अमन और अमान की बात, हम तो कह रहे हैं भाईचारे की बात, हम तो कह रहे हैं 36 बिरादरी को जोड़ने की बात, और कांग्रेस के कैंडिडेट और कांग्रेस के लोग धमकियां दे रहे, डराने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। मैं उनको साफ साफ कहना चाहता हूं, अपना दिमाग ठीक कर लो, इस बार नसीब वो नहीं है। इस बार अगर काई ने मेरे हाथ में इनकी तरफ आंगली उठा दी ना तो आंगली बना देंगे। साथियों हम मैं अपने वर्कर के लिए और अपने साथी के लिए जो ये लंबे लंबे भाषण ने मार रहे हैं ना कांग्रेस के, इनकी पता तो 6-8 तारीख को पता चली जाएगी। ये बहुत बड़ी गलपत में है, ये सोच रहे हैं कि जीते पड़े, इनको बाप भर वोट वोट तो भाई पे है। अगर भाई चाहेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरीके से आपका प्यार और उत्साह है, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई ताकत नहीं रोक रही है।